हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी. आज मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा यानी समूहीकृत प्रदत्त का आरेखीय चित्रण किस प्रकार से किया जाता है उसके संदर्भ में चर्चा करूंगी. सबसे पहली बात तो ये है कि ग्राफ पर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम दो तरह की रेखाएं होती हैं. एक तो होती है वाई रेखा, और ये जो रेखा होती है ये कहलाती है एक्स रेखा. किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए दो तरह की रेखा का प्रयोग किया जाता है. ये जो लंबवत रेखा होती है ये वाई रेखा होती है, और ये जो क्षैतिज रेखा होती है यह एक्स रेखा होती है. ये जो स्थान हुआ जहाँ ये चारों रेखाएं जुड़ रही हैं इसको हम कहते हैं ओ. ओ का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि उद्गम स्थल. ये रेखा इस ओर जा रही है तो भी ओ एक्स है, इस ओर जा रही है तो भी ओ एक्स है, इस ओर जा रही है तो ओ वाई है, और इस ओर जा रही है तो ओ वाई है. ये जो रेखा इधर वाली होती है ये प्लस प्लस की होती है, जबकि इस डायरेक्शन में जाने वाली रेखा माइनस की होती है. तो जब हमें ग्राफ में ओ वाई पर प्लस दिखाना हो और ओ एक्स पर माइनस दिखाना हो तो ग्राफ का प्रेजेंटेशन इस प्रकार से बनता है. जबकि दोनों ही दिशाएं, दोनों ही जिन दो चरों का हम प्रदर्शन इस पर कर रहे हैं ग्राफ पर, और वो दोनों ही यदि माइनस की संख्याएं होती हैं तो उनका चित्रण इस प्रकार से किया जाता है. जबकि ओ वाई पर माइनस दिखाना हो और ओ वाई पर ओ एक्स पर प्लस दिखाना हो तो चित्रण इस प्रकार से किया जाता है. और जब ओ वाई पर भी प्लस दिखाना हो और ओ एक्स पर भी प्लस दिखाना हो तो चित्रण इस प्रकार से किया जाता है. मनोविज्ञान में क्योंकि कोई भी चीज़ माइनस की ओर नहीं जाती है, शून्य से कम भी बहुत रेयर वैसे होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं. और कोई भी व्यवहार के हम किसी भी पहलू का मापन करें, किसी भी विमा का मापन करें, किसी भी शीलगुण का मापन करें, तो वो कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं होता है. जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम किसी भी व्यक्ति की सुंदरता का मापन कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति शून्य नहीं हो सकता है. उसकी आँखें अच्छी लगनी हो सकती है, उसकी हाइट अच्छी हो सकती है, उसकी उसके हेयर अच्छे हो सकते हैं. तो यानी कहीं ना कहीं उसको कुछ पॉइंट्स मिलते ही मिलते हैं. किसी भी थ्रेड को ले लीजिए आप, चिंता का मापन कर लीजिए. किसी व्यक्ति में बहुत अधिक चिंता हो सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उसमें चिंता बिल्कुल शून्य है. तो हम व्यवहार का क्योंकि अध्ययन करते हैं, विभिन्न शीलगुणों का अध्ययन करते हैं, मानव व्यवहार में कोई भी जीरो नहीं होता, इसलिए हमारे अंदर अक्सर जो है जो हम ग्राफ बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, ओ वाई प्लस वाला और ओ एक्स माइनस वाला. तो अब हम इस रेखा का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रहा, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था. हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ओ एक्स ओ वाई प्लस वाली रेखा के ऊपर होता है. अब बात ये आती है कि हम ओ एक्स पर क्या प्रदर्शित करते हैं और ओ वाई पर क्या प्रदर्शित करते हैं. ओ एक्स रेखा पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया जाता है, जबकि ओ वाई रेखा के ऊपर, ओ वाई रेखा पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये हम फर्स्ट ईयर में कई जगह हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है. जब हम प्रयोग के पद पढ़ रहे होते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रयोगात्मक विधि क्या है उसको पढ़ रहे होते हैं. मैं एक बार रिविजन के तौर पर आपको फिर से बताऊँगी. इंडिपेंडेंट पहली बात तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यानी वेरी प्लस एबल, वेरी वी ए आर वाई, वेरी का मतलब क्या होता है चेंज, एबल माने योग्य. जो चीज़ चेंज के योग्य हो, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता हो, जिसके मूल्यों में परिवर्तन हो सकता हो, वह क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, यानी चर कहलाता है. अब स्वतंत्र चर और आश्रित चर, दो प्रकार के चरों का हम मनोविज्ञान में मापन करते हैं. स्वतंत्र चर जैसा इसका नाम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्वतंत्र है. इसकी जो वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करना है, कम ज़्यादा करने का अधिकार प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है, इन्वेस्टर के हाथ में होता है, इन्वेस्टिगेटर के हाथ में होता है कि वो इसकी मात्रा को कम ज़्यादा
कर सकता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि इसका नाम है आश्रित चर, आश्रित का मतलब क्या है कि जो कि स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है, जो डिपेंड कर रहा है किसी पर, वो चर कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी यानी कि आश्रित चर। अब हमारे जो एक प्रदत्त दिया हुआ है इस बोर्ड के ऊपर, उसमें दो चर दिए हैं, एक है क्लास इंटरवल और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं आपको समझाती हूँ। डिपेंडेंट ये जो प्रदत्त हमारा निकल कर आया, यानी कि ये जो 10 से 14, 15 से 19 जो हमने वर्गांतर लिए हैं, हमने पूर्व की कक्षाओं में भी ये समझ लिया है कि हम किस तरह से वर्गांतर निकालते हैं। हमने यहाँ पर 5 का वर्गांतर लिया है, इसलिए ये 10 से 14 आया, 15 से 19 आया। यदि हम यहाँ, और जब हमने 10 से 14 का वर्गांतर लिया तो इसके मध्य ये फ्रिक्वेंसीज आई, यानी कि ये स्वतंत्र हुआ और इस पर निर्भर कर रही है इस पर इसके अंतर्गत आने वाली फ्रिक्वेंसीज। यदि हम इन्हीं वर्गांतर का आकार 3 का कर देते तो हमारा वर्गांतर किस प्रकार से बनता, 10 से 11, 10, 11, 12, यानी 10 से 12, 13 से 15, इस तरह से तीन तीन का वर्गीकरण होता चला जाता, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल बढ़ जाते, फ्रिक्वेंसीज वही रहती और लेकिन ये जो संख्या आ रही है वो इसमें कम होती चली जाती, अलग अलग हो जाती। 10 से 12, 10 से 14 में यहाँ एक फ्रिक्वेंसी है। हो सकता है कि जब मैं वर्गांतर यहाँ पर 3 का लेती तो हमारी जो न्यूनतम संख्या थी वो यहाँ पर 12 थी, तो 10 से 12 में एक चली जाती, तो 13, 14, 15 में क्या पता उसमें एक फ्रिक्वेंसी आती या जीरो आता, यहाँ दो नहीं आता, यहाँ एक आता। तो ये सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल पर। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, स्वतंत्र क्या चीज हुई, क्लास इंटरवल, और उसके ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज। तो यहां हम दिखाएंगे क्लास इंटरवल्स स्वतंतर चर, और यहां यानी ओवाई रेखा पर हम दिखाएंगे फ्रीक्वेंसीज यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आई इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। हिस्टोग्राम जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं स्तंभ आकृति, हिस्टोग्राम, स्तंभ आकृति। मैंने आपको ग्राफ पेपर बनाना बताया, उसमें किस तरह से बनाते हैं वही ओ एक्स रेखा। एक चीज और उसमें बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब हम इसकी लंबाई निर्धारित करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो ओ एक्स रेखा की लंबाई है वो 4 times लेते हैं, जबकि ओ वाई रेखा की लंबाई उस रेखा की 3/4 लेते हैं। जैसे यदि ओ एक्स रेखा की लंबाई हमने 8 centimeters ली है तो ओ वाई रेखा की लंबाई हम 6 centimeters लेंगे, ठीक है। 3/4 कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ओ वाई की रेखा 8 centimeters है तो 3/4 निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 से काटा 2 और आपको मिल गया 6। इस तरीके से हम जो ओ एक्स की लंबाई है उसका गुणा 3/4 करके प्राप्त कर लेते हैं उसकी लंबाई ओ रेखा की, ओ वाई रेखा की। और यदि मान लीजिए हमारे प्रदत्त के आधार पर हमें ओ वाई की रेखा लेना सरल लग रहा है तो हमने ओ वाई की रेखा ले ली, जैसे यहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी 6 आ रही है तो हमें लगेगा कि ओ वाई पर हम एक एक वर्गांतर के एक एक फ्रिक्वेंसी एक एक सेंटीमीटर लेते चले जाएंगे। तो जब हमने मान लीजिए ओ वाई की रेखा पहले तय कर ली है तो ओ एक्स की रेखा तय करने के लिए हम 3/4 की जगह क्या लिख देंगे, 4/3। और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 × 8, यानी कि यदि हम ये रेखा 6 ले रहे हैं तो इसको निकालने के लिए इसकी ये कितनी लें, ओ एक्स कितनी लें, हम मल्टीप्लाई बाय 4/3 कर देंगे। और यदि हमने ओ एक्स की रेखा निर्धारित कर ली है तो उसका 3/4 लेने के लिए हम जो रेखा की लंबाई ली है उसका मल्टीप्लाई बाय 3/4 कर देंगे। रेखा तय होने के बाद में हम जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ हमें कितने वर्गांतर की आवश्यकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमारी रेखा जाएगी यहाँ तक दिखाना है हमें, 50 तक 49 तक दिखाना है, यानी कि यहाँ हमें वर्गांतर सेंटीमीटर की संख्या हमें 9 centimeters चाहिए। तो ओ एक्स रेखा की लंबाई मैंने ले ली यहाँ पर 9 centimeters। अभी मैंने आपको बताया 3/4 निकालने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 9/3/4। आपने जब इसको करा तो 9 × 27/4, 4
पंजे 20, चार सिंह 24, 6, एक बचा 25, यानी कि आप 6 या 6.25 ले सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप एक खाना ज़्यादा कम, चाहे ओ एक्स हो चाहे ओ वाई हो, उसमें आप कर सकते हैं। यहाँ आपने ओ वाई रेखा की लंबाई तय हो गई। अब बात आती है हमें किस तरह, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप है हिस्टोग्राम में कि ये जो वर्गांतर है इनको हम रूपांतरित करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में या प्योर क्लासिफिकेशन सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंक अतिरिक्त लेना पड़ेगा। 10 से 14 की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और इसी तरह से लास्ट में 45 से 50। उसके बाद हमने यहाँ लिखने प्रारंभ किए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। इधर आपने फ्रीक्वेंसीज ले ली, 1 से लेके 6 तक आपको दिखानी है और आपके पास 6 की ही रेखा है, एक एक सेंटीमीटर पर आप लिखते चले गए और ये आपकी ओ वाई रेखा हो गई। ये हो गया आपके वर्गांतर और यहाँ हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ हमारा 5-5 का अंतराल है और ये 0 से 10 में 10 का अंतराल है, तो इस ऐसी स्थिति में हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं, थोड़ी टेढ़ी रेखा को काट क्रॉस कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो अनुपात हम यहाँ पर ले रहे हैं वो इस जगह पर मान्य नहीं है। यहाँ हमारा वर्गांतर सब जो अंतर है वो एक एक का है, इसलिए यहाँ हमें कोई ब्रेक की आवश्यकता नहीं है। ये जो स्केल मैंने अभी आपको बताया वो आप ग्राफ पेपर, क्योंकि बोर्ड छोटा होता है, आप इस जगह पर शो करते हैं। यहाँ पर आप लिखते हैं स्केल ऑन ओ एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्लास इंटरवल एंड ऑन ओ वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब 10 से 15 के वर्गांतर में कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक। 10 से 15 पर एक के सामने जाएंगे और एक लाइन खींचेंगे और उसको 10 से और 15 से इस तरह से टच करेंगे, स्तंभ बन गया। नेक्स्ट में आपका 2 है, 2 के सामने गए 20 तक आए और आपने इसको इससे टच किया, इस तरह से आपका दूसरा बन गया, ये आपका 20 वाला हो गया। फिर 3 फ्रीक्वेंसी है, आप यहाँ पर 3 के सामने गए और नीचे तक आए 3। नेक्स्ट आपकी 4 फ्रीक्वेंसी है, 4 के सामने गए, यहाँ लाइन खींची और 30 तक इसे टच किया। आप ग्राफ पर बनाएंगे बिल्कुल शुद्ध बनेगा, बोर्ड पर उतना प्रोपोर्शन ठीक नहीं आ पाता है। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 6, आप 6 तक गए, एक लाइन खींची और ये आपका यहाँ पर आप 6 पर आ गए, ठीक है। उसके बाद आपका 5 है, तो आप 5 के सामने डॉट लगाएंगे और लाइन खींचेंगे और इसको 40 वाले खाने से मिलाएंगे। फिर उसके बाद में आपकी 3 है, 3 के सामने गए, डॉट लगाई, नीचे लाए और उसके बाद आपकी 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 के सामने गए, डॉट लगाई और ये आपका प्राप्त हो गया हिस्टोग्राम। समझ में आया आपको, एक बार फटाफट से रिवीजन कर देती हूँ मैं। सबसे पहला काम क्या है, जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं इंक्लूसिव में, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज या प्योर क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना। आईवी हमें लेना है, वर्गांतर, वर्गांतरों को हमें दिखाना है किस पर, ओ एक्स एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसीज को हमें दिखाना है ओ वाई एक्सिस पर, और स्केल में जितनी दूरी पर हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, या हमने स्केल में ओ एक्स अक्ष पर लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्गांतर, ओ वाई अक्ष पर लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 आवृत्ति के, और इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम स्तंभ के रूप में दिखा देते हैं। स्तंभ के रूप में जब पूरा प्राप्त हो जाता है तो ये कहलाता है हिस्टोग्राम। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, स्तंभ आकृति, स्तंभाकृति। समझ में आया आप लोगों को, ओके, थैंक यू।